आज हम बीएड फोर्थ सेम के फोर्थ पेपर की फर्स्ट यूनिट देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल एजुकेशन कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण का अर्थ एक ऐसे वातावरण से लिया जाता है जिसमें ब्रह्मांड या जीव जगत घिरा हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी का जीवन एक आवरण से आवृत है जो इसे परिचालित भी करता है और स्वयं भी प्रभावित होता है। पर्यावरण किसी एक तंत्र का नाम नहीं है, बल्कि अनेक तंत्रों का सामूहिक नाम है जो कि संपूर्ण जीव जगत को नियंत्रित करता है और एक दूसरे से अंतः संबंधित है, जिसका प्रभाव सामूहिक रूप से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के चारों तरफ एक ऐसा आवरण है जो कि मानव की वृद्धि और प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। उसमें मानव का कोई भी हाथ नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, बल्कि यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक परिस्थितियों की देन है। इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हम पहली देखते हैं सी.सी. पार्क के अनुसार। उनका कहना है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बोरिंग के अनुसार। बोरिंग का कहना है कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उनके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है, मनुष्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण जो अध्ययन है इसका महत्व क्या है। पहले तो हम जब अपने दादा दादी के टाइम के समय का देखते हैं तो उनके टाइम पर ये एनवायरमेंटल एजुकेशन उनके लिए नहीं थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि शायद वो इसके प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति स्वयं ही जागरूक थे, उन्हें उसका महत्व मालूम था, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा में बताने की ज़रूरत नहीं थी। हम शायद आज प्रकृति के जो उसका जो आवरण है प्रकृति का, वो हम शायद उसके प्रति उतनी जागरूक नहीं है, उसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देख रहे हैं कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, शायद इसलिए हमें अलग से बताने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण का जो अध्ययन है उसका महत्व क्या होता है। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण अध्ययन का महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं पर्यावरण जीवन का आधार है। पृथ्वी तल पर विकास, संवर्धन और रक्षा के लिए पर्यावरण एक ऐसी दशा का निर्माण करता है जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। इस पर्यावरण को हम जीवन का आधार कहते हैं। नेक्स्ट आपका है पर्यावरण विकास का मूल है। मनुष्य अपना विकास प्राकृतिक साधनों के प्रयोग के माध्यम से करता है, इस कारण पर्यावरण को विकास का मूल कहा जा सकता है। मनुष्य अपने बौद्धिक ज्ञान से पर्यावरण का उपयोग का विकास कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विश्व तापमान में वृद्धि। पर्यावरण प्रदूषण, हरित गृह प्रभाव, ओजोन क्षयीकरण ऐसी अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का सम्मिलित प्रभाव विश्व तापमान में वृद्धि कर रहा है और विश्वव्यापी तापन का संपूर्ण जीव समुदाय पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इसके नज़दीकी व दूरगामी दोनों प्रभाव मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए घातक हैं। पर्यावरण अध्ययन में विश्वव्यापी तापन के कारण और निराकरण के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन का अत्यधिक महत्व बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फोर्थ नंबर पर संसाधन संरक्षण और ऊर्जा का समुचित उपयोग। पर्यावरण अध्ययन से संसाधन संरक्षण और ऊर्जा के समुचित उपयोग का ज्ञान हो जाता है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जल संकट। जल संकट क्या है? पानी की कमी हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जितनी आपूर्ति है उतनी हम उससे ज़्यादा हम खपत कर रहे हैं, इसलिए जल संकट जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके कुछ कारण भी हैं, जैसे वर्षा में कमी, वनों के विनाश के कारण, जल का मिट्टी से संबंध टूटना, जल प्रबंधन का अभाव, प्रबंधन कुछ सही नहीं है, जल प्रदूषण, जल की व्यर्थ बर्बादी, बढ़ती मांग के कारण जितनी जल की आपूर्ति है उससे कहीं ज़्यादा उसकी मांग बढ़ती जा रही है, जल संकट निरंतर इस तरह बढ़ता जा रहा है।
पर्यावरण अध्ययन द्वारा जल संकट की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लोगों को जल संकट के बचाव के लिए, जल के बचाव के लिए जागरूक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वन एवं जीव जंतु संरक्षण का ज्ञान। उष्णकटिबंधीय वनों में विश्व की 50% जैव विविधता पाई जाती है, परंतु वनों की कटाई के कारण अन्य जीवों में कमी आई है। वन कट जाते हैं, वनों पेड़ काट दिए जाते हैं, तो जीव जंतुओं को भी रहने की उनकी जगह कम हो जाती है। सागर तल में परिवर्तन के कारण सागर तटीय दलदली क्षेत्रों तथा प्रबाल भित्तियों के जीव भी संकट में आ गए हैं। वनों के अंधाधुंध दोहन, विनाशकारी वनाग्नि, वन में जो आग लग जाती है, भीषण भूस्खलन और पशु पक्षी के अवैध शिकार के कारण भी पर्यावरण का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ठोस अपशिष्ट निस्तारण। जो कचरा निकलता है उसका निस्तारण कहाँ किया जाए? नगरीय तथा औद्योगिकरण के कारण अपशिष्टों के निस्तारण की समस्या जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। गैर ईंधन खनिजों का खनन औद्योगिक प्रक्रिया के लिए प्रतिवर्ष किया जा रहा है, जो ठोस अपशिष्टों को जन्म देता है, और इसके निस्तारण के अभाव में भूमि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जाती है। पर्यावरण अध्ययन के द्वारा इसके निस्तारण के उपाय की समस्या की ओर जो है वो ध्यान आकर्षित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पर्यावरण प्रदूषण। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या प्रमुख समस्या है और आधुनिक सभ्यता द्वारा उत्पन्न एक गंभीर व भयानक समस्या है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मानव अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहा है और उसका स्वाभाविक विकास भी रुक रहा है या बाधित हो रहा है। पर्यावरण अध्ययन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण और को रोका जाता है और मानव को उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाता है, बताया जाता है कि उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका आता है स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र क्या है? उसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन। सेकेंड आपका आता है मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व उसका पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन। पर्यावरण प्रदूषण के स्वरूप, कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन। इसके बाद आता है प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन। प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं जिसमें मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, मतलब जो प्रकृति के द्वारा आपदाएँ आती हैं जिसमें मनुष्य का कोई भी सहयोग नहीं होता है, उसे प्राकृतिक आपदाएँ कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव व संसाधन संरक्षण का अध्ययन। विकासात्मक गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन। पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन। संसाधन संरक्षण व पर्यावरण प्रदूषण के निवारण में व्यक्ति व समाज की भूमिका का अध्ययन। पर्यावरण संरक्षण संबंधी विधियों का निर्माण करना। इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके साथ ही Thank you.